हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय मंगलानी और आज का हमारा टॉपिक है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब हम ये समझें कि व्हाट आर रैशनल और इरेशनल नंबर्स। उसके पहले जो नंबर सिस्टम आपने स्टैंडर्ड 6 या 7 में सीखे हैं, लेट्स रिवाइज दें, उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट सिस्टम ऑफ नंबर्स विच यू हैव स्टडीड? एक नंबर सिस्टम बता सकते हो कोई भी आप, जो आप सबसे पहले सीखे हो? तो सबसे पहले जो आप नंबर सिस्टम सीखे हो, दैट इज़ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट विथ विच नंबर, या स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है नेचुरल नंबर्स में? तो स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब आप मुझे बता सकते हो कि नेचुरल नंबर्स का दूसरा नाम क्या है? क्योंकि जब हम चीज़ें, कोई भी चीज़ काउंट करते हैं, सपोज़ मेरे पास कोई चॉकलेट्स हैं, तो मैं उनको काउंटिंग कैसे करूँगा? क्या मैं 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करूंगा या 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करूंगा? तो आपको मालूम है जब हम चीज़ों को काउंट करते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इन नेचुरल नंबर्स का दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर्स। क्योंकि हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से, इसलिए काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स स्टार्ट विथ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरा सेट क्या है? विच इज़ द अदर सेट विच यू हैव स्टडीड? सो सेकेंड सेट ऑफ नंबर्स विच यू हैव स्टडीड इज होल नंबर्स। तो ये फर्स्ट सेट है, सेकंड सेट है होल नंबर्स। अब क्या डिफरेंस है नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में? तो होल नंबर्स स्टार्ट विथ द नंबर 0, स्मॉलेस्ट नंबर इज 0। तो 0, ये डिफरेंस है इन नंबर्स में और इनमें। इन होल नंबर्स में 0 भी आता है और फिर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मतलब नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में सिर्फ एक डिफरेंस है, दैट इज ऑफ 0। ठीक है, वॉट इज़ द नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स विच यू हैव स्टडीड? और कौन सा आपने सेट सीखा है? तो दैट इज इंटीजर्स। थर्ड सेट ऑफ नंबर्स इज इंटीजर्स। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स में कौन से नंबर्स होते हैं? तो इंटीजर्स में ये होल नंबर्स तो होते ही हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसके साथ में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स में 0 होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब हमें समझना है व्हाट आर रैशनल नंबर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या है, देखिए, सपोज देयर आर टू नंबर्स m एंड n। m एंड n आर टू नंबर्स, और ये नंबर्स कैसे हैं? दीज आर इंटीजर्स। M and N both are integers. They both are integers, but here N is not equal to 0. M integer है, कोई भी integer, वो 0 हो सकता है, positive integer हो सकता है या negative integer हो सकता है, और N भी integer है, but it is not equal to 0. 0 को छोड़ के वो कोई भी integer है, positive number या negative number. Then in such a case m upon n is called a rational number. m upon n एक rational number होगा। तो definition यही है, m upon n is a rational number where m and n are integers and n is not equal to 0. n 0 नहीं है और 0 को छोड़ के वो कोई भी number है, m is any integer. तो this m upon n is a rational number. rational number. इसके एग्जांपल्स हम देखें, सपोज m इज एनी इंटीजर, तो मैं यहाँ पे 3 केस लेता हूँ, सपोज m इज 5, m इज -6 और m इज 0। ठीक है, m कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर या 0, और n जो है इट इज एन इंटीजर अदर देन 0, 0 नहीं है। तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर ले लो, आप 2 ले लो, आप 3 ले लो, आप 5 ले लो, तो all these numbers are rational numbers. ये सभी rational numbers के example हैं। अब आप देखिए कि all these numbers are also included in rational numbers. ये सभी numbers जो हैं वो भी rational numbers में include होते हैं। कैसे? तो जैसे suppose मैं यहाँ से एक example लेता हूँ, 4. तो 4 can be written as 4 upon 1. 4 equals to 4 upon 1, 4 और 4 upon 1 में कोई वैल्यू में डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे ये फार्मूला, ये रूल अप्लाई हो रहा है कि
न्यूमरेटर इज एनी इंटीजर एंड डिनोमेटर जो है वो जीरो नहीं है, तो इसलिए 4/1 और 4 इज अ रैशनल नंबर। यानी सभी नेचुरल नंबर्स क्या हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स भी होल नंबर्स हैं। सिमिलरली सभी होल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स हैं। जैसे आप मैंने 4 का एग्जांपल लिया, आप 0 का भी एग्जांपल ले सकते हो। 0 इक्वल्स टू 0 अपॉन एनी नॉन जीरो नंबर। 0 को छोड़ के आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आप पॉजिटिव 5 ले सकते हो या आप निगेटिव 5 ले सकते हो। तो सभी होल नंबर्स भी क्या हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। सिमिलरली सभी इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स हैं। मैंने 0 का एग्जांपल लिया है, मैंने 4 का एग्जांपल लिया है, आप कोई निगेटिव नंबर भी ले लो। जैसे आपने लिया -4/2, तो ये सभी जो नंबर्स हैं इसमें रैशनल नंबर्स में ये सभी नंबर्स इंक्लूड होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और इसके सिवा फ्रैक्शंस। जैसे 5/2 ना वो नेचुरल नंबर है, ना वो होल नंबर है, ना वो इंटीजर है, तो ये एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर्स। फ्रैक्शंस भी रैशनल नंबर होते हैं।